आजकल अभी हम लोग का जीन थेरेपी। देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिकल होती हैं, है ना, बाय बर्थ जीन डिफेक्ट की वजह से वो बीमारियां दिखाई देती हैं, है ना, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट भी होती हैं। तो जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए जो हमारे पास मेथड है, तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी को कई तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपली बोल सकते हैं इट्स कलेक्शन ऑफ मेथड्स टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट, है ना, कोई डिफेक्टिव जीन है या कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आप जो भी मेथड यूज करेंगे, है ना, या डिफरेंट टाइप के मेथड आप यूज करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी। दूसरा एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाई हेल्दी कॉपी ऑफ जीन। एक डेफिनेशन ये भी आपको मिलेगा कि कोई जीन डिफेक्टिव है उसकी जगह पे हम एक हेल्दी जीन को इनकॉर्पोरेट करें, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस में रखते हैं, जीन थेरेपी में, ठीक। तो बहुत सारी बीमारियों का जीन थेरेपी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि और बेटर से बेटर हम उसमें एडवांसमेंट लाएं, बेटर से बेटर चीज़ें इवॉल्व करें ताकि हम एक सक्सेसफुल जीन थेरेपी कर पाए, है ना। तो कुछ बीमारियों का जीन थेरेपी हो जाता है, कुछ का नहीं भी होता है, ये भी है ना। सबसे पहला जो आपका सक्सेसफुल जीन थेरेपी था वो एक 4 ईयर ओल्ड यानी 4 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, उसके अंदर जीन थेरेपी किया गया था, क्लियर। अब वो जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए किया गया था और किस जीन के लिए किया गया था, तो देखिए वो जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, उसमें जो डिफेक्टिव जीन था वो क्या था, एडा जीन, हैविंग डिफेक्टिव एडा जीन। तो डिफेक्टिव एडा जीन के वजह से, है ना, उसमें जो बीमारी हुई वो बीमारी थी आपकी स्किन सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, स्किट्स डिजीज, है ना। तो एडा जीन की वजह से उस बच्चे में जो बीमारी थी वो क्या थी, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं फुल फॉर्म नहीं दे रहा हूं यहां पे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एडा जीन है इसका नेचुरल फंक्शन समझिए, एडा जीन जो है इसका काम होता है एक खास तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करना, और उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डी एमिनेज, है ना, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है एडा, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम इससे बनता है, और वो एंजाइम बहुत ही जरूरी है हमारे बी और टी लिम्फोसाइट, जिसको आप बी और टी सेल बोलते हैं, तो बी और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरिटी के लिए। यानी अगर किसी इंसान में एडा एंजाइम नहीं है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं है, तो उसके बी और टी सेल मैच्योर ही नहीं होंगे, और जब बी और टी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि बी और टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वही हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ऐसे बच्चे में बी और टी सेल दोनों की कमी होगी, और जब दोनों की कमी होगी तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, यानी वो बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना। और जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसको बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हो जाएंगी जो बाद में चल करके, ठीक है, गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब कई बीमारियां एक साथ होती हैं तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम, हर बीमारी का अलग अलग सिम्टम होगा, तो जो टोटल कलेक्शन ऑफ सिम्टम होता है उसके लिए जो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है सिंड्रोम, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है तो इसीलिए नाम ही रख दिया गया सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्लियर। तो इसी के रेफरेंस में हमें ये पढ़ना है कि कैसे इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इसके इलाज हैं, और जेनेटिकल जो जीन थेरेपी है यानी जेनेटिकल थेरेपी है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्लियर। तो पहले इसका आउटलाइन देखा जाए कि क्या है इसमें, जो एडा जीन है, है ना, एडा जीन का, जिसे मैंने बताया एडा जीन का मेन फंक्शन क्या है, तो ये आपको मिलेगा लिम्फोब्लास्ट सेल में, लिम्फोब्लास्ट सेल यानी वो सेल जिससे लिम्फोसाइट मैच्योर होकर के बनेगी, है ना। तो लिम्फोब्लास्ट सेल में एडा जीन एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, और इसका एक्सप्रेशन होगा तो एंजाइम बनेगा एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप
आप एडा ही लिखेंगे लेकिन स्मॉल लेटर से, ठीक। तो ये एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बी और टी सेल यानी बी और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरिटी। तो अगर ये जीन आपका डिफेक्टिव है, अगर ये जीन डिफेक्टिव है तो एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो बी और टी सेल की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो वही आपको क्या कॉज करेगा, इसके, ठीक है। तो क्या क्या इसकी थेरेपी है, कैसे इसकी थेरेपी की जा सकती है, क्या क्या मेथड्स हैं, तो आइए उसको भी देख लिया जाए। एडा जीन के डिफेक्ट के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना, इसको ठीक करने के लिए, वो डिफरेंट मेथड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी जिस जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा था, है ना, तो उस एडिनोसिन डीएमिनेज का इंजेक्शन टाइम टू टाइम पेशेंट को दिया जाए ताकि उसके अंदर वो एंजाइम पहुंचे और वो अपना काम करे, ठीक है। तो हाँ, लाइफ टाइम नहीं काम करेगा कभी भी, ये परमानेंट नहीं होता है, ये सब टेम्परेरी मेथड है, यानी हर समय इंटरवल के बाद उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को हम क्या बोल देंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जब आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो वो कुछ वर्षों तक ही काम आएगा, पूरी लाइफ वो भी काम नहीं आएगा, है ना। और उसके बाद तीसरा मेथड आपके पास है कि आप एक हेल्दी कॉपी लीजिए जीन का और उस पेशेंट के लिम्फोब्लास्ट सेल में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, है ना, और ट्रांसप्लांट करके फिर उस सेल को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसी को डिटेल में देखना है कि कैसे करेंगे। और अगर यही मेथड आप एम्ब्रियोनिक सेल के साथ करेंगे, यानी जब एक बच्चा मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, तभी अगर पता चल गया कि पर्टिकुलर जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसके एम्ब्रियोनिक सेल में ही ये काम कर दिया जाए, तब वो परमानेंट क्योर में आ जाता है, है ना, क्योंकि वो पूरी जिंदगी फिर उसकी बॉडी में रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम वही काम कर रहे हैं लिम्फोब्लास्ट के साथ, तो जो लिम्फोब्लास्ट हम निकाल रहे हैं उसके अंदर से, पेशेंट के अंदर से जो लिम्फोब्लास्ट हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, उसमें हम जीन ट्रांसफर करने के बाद जब उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका एक सर्टेन लाइफ टाइम है ना, उस लाइफ टाइम के बाद तो वो सेल मर जाएगी। इसलिए ये यहाँ पर भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार उसको, ठीक है, इंजेक्शन इस ट्रांसप्लांटेड लिम्फोब्लास्ट सेल का देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पहले देखा जाए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या करते हैं जीन थेरेपी के लिए, है ना, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो पेशेंट है, ठीक, उस पेशेंट का बोन मैरो निकालेंगे, बोन मैरो का एक छोटा सा सैंपल निकालेंगे, उसी सैंपल में हमें क्या मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट सेल, क्योंकि बोन मैरो में ही हिमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं, है ना, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो ब्लड को बनाते हैं, तो ब्लड के डिफरेंट सेल्स वहीं से बनेंगे, तो इसीलिए जो लिम्फोसाइट वो भी तो ब्लड का कंपोनेंट है, तो लिम्फोसाइट को बनाने वाले लिम्फोब्लास्ट सेल्स को हम वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। तो आइसोलेट करेंगे तो चूंकि संख्या बहुत कम होगी, छोटा सा सैंपल हमने लिया है, तो इसमें उस संख्या को पहले न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करके बढ़ाएंगे, है ना, यानी उस सेल को आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, उसकी संख्या को बढ़ाएंगे। प्लस दूसरे साल हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोवायरल वेक्टर लेंगे। रेट्रोवायरल वेक्टर क्यों, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर किसी जीन को ट्रांसफर करना या इंटीग्रेट करना उसके जीनोम में, तो उसके लिए हमारे पास रेट्रोवायरल वेक्टर ही है, तो रेट्रोवायरल वेक्टर लेंगे और ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी से आइसोलेट कर लेंगे एडा जीन, और उस एडा जीन को उस रेट्रोवायरल वेक्टर में लगा करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, है ना, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर ट्रांसफेक्शन करा करके उस लिम्फोब्लास्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से लिम्फोब्लास्ट हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक हेल्दी कॉपी जीन पहुंच गया, है ना। अब इस ट्रांसफॉर्म लिम्फोब्लास्ट को ग्रो करेंगे फिर न्यूट्रिएंट मीडिया में, ग्रो करके इसकी संख्या को बढ़ाएंगे और उसका कुछ हिस्सा पेशेंट को वापस उसके बोन मैरो में इंजेक्ट कर देंगे इंजेक्शन के रूप में, यानी सेल्स को एक इंजेक्शन में भरेंगे और उस इंजेक्शन की मदद से उसके बोन मैरो में उसको इंजेक्ट कर देंगे जहां वो अपना काम करेगा, ठीक है, और बाकी का हिस्सा हम स्टोर कर लेंगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मतलब क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया ये परमानेंट इलाज नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बार बार उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो अब बार बार पेशेंट का बोन मैरो निकाल करके ये सारा एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेंगे। आपने एक बार ट्रांसफॉर्म सेल बना लिया, तो बनाने के बाद उसी को ग्रो कराइए, संख्या बढ़ाइए, जब नंबर थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो कुछ हिस्सा आप इंजेक्शन में लेकर उसको पेशेंट को दीजिए, और बाकी का जो सैंपल है उसको फिर पेशेंट के नाम से स्टोर कर दीजिए, और फिर जब दोबारा रिक्वायरमेंट होगी तो उसको फिर आप इंक्रीज करिए न्यूट्रिएंट मीडियम में, ग्रो करके और इंक्रीज करने के बाद फिर कुछ हिस्सा इंजेक्शन में लेकर के पेशेंट को दीजिए, बाकी फिर से स्टोर कर दीजिए। तो इस तरह से बार बार हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद।
क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो जीन थेरेपी पॉसिबल होती है।